आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बात। नमस्कार, भारत प्लस में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पहुंचकर कोविड से संबंधित समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर प्रशासन के कई आला अफसर भी समीक्षा बैठक में सम्मिलित हुए। बैठक के बाद गृह मंत्री ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि कोविड से संबंधित लगातार प्रदेश में सुधार हो रहा है। वहीं प्रदेश में कोरोना से पीड़ित पत्रकारों का प्रदेश सरकार पूरी तरह से इलाज कराएगी। तीसरी लहर की भी सरकार ने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट भी प्रदेश में लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को ऑक्सीजन के लिए परेशानियों का सामना ना करना पड़े। पूरे मध्य प्रदेश में सुधार है और इसी तरह से यहाँ पर भी काफी राहत की बात है। 9% पॉजिटिविटी रेट आ गई है हमारी और वेंटिलेटर, इंजेक्शन सभी पर्याप्त उपलब्ध है। लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, कहा गया है 5% से कम करें। एक प्रसन्नता की बात यह है कि मध्य प्रदेश के सभी पत्रकारों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निःशुल्क पूरा इलाज, कोरोना अगर उनको होता है वो मान्यता प्राप्त है या नहीं है, अधिमान्य है या नहीं है, सभी का पूरा इलाज मध्य प्रदेश की सरकार चलाएगी। उसके लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई। हमने आगे की रणनीति थर्ड फोर्थ की जैसी सुन रहे हैं उसकी पूरी बना के रखी है। कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, और पूरी तैयारी, बेड बढ़ा रहे हैं, इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं, ऑक्सीजन के प्लांट बढ़ा रहे हैं, इंजेक्शन की व्यवस्था कर रहे हैं, ना ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, ICU बेड की किसी की दिक्कत नहीं रहेगी। इसका सारा इलाज मध्य प्रदेश की सरकार निःशुल्क करेगी। पूरा खर्चा मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो उठाएंगे, इसलिए कोई वो वाली दिक्कत नहीं है। इलाज बीमारी है उसका इलाज होगा। भारत प्लस के लिए छतरपुर से रूपेश जैन की रिपोर्ट। देश दुनिया की ऐसी जानकारियों के लिए आज ही आप हमारे चैनल भारत प्लस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।